जय श्री कृष्णा। आप यदि नए सिरे से मकान बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको जमीन देखने के बाद, प्लॉट देखने के बाद, किसी अच्छे पंडित ब्राह्मण से नीम की खुदाई और नीम की भराई का मुहूर्त निकलवाना होता है। आपने यह भी कर लिया और आप नीम की खुदाई करवाने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता ही देना चाहता हूं कि नीम की खुदाई के पहले उस भूमि यानी कि उस प्लॉट पर आपको बढ़िया जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, विद्वान पंडित होंगे, पूजा करवाएंगे किसी एक निश्चित कोण में। कहने का मतलब है या तो ईशान कोण में, या आग्नेय कोण में, या नैऋत्य कोण में, या वायव्य कोण में, जैसी भी स्थिति उस समय मुहूर्त की होगी उसके अनुसार आपसे पूजा करवाएंगे। चलो पूजा करवा ली, आपसे गेती लगवा ली कि भाई पांच व्यक्ति आकर यहां पर गेती लगा दो। अब आपने गेती भी लगा दी और आप या तो मैनुअल यानी कि हाथ से नीम खुदवाते हैं, या बाद में आजकल जो चलन है कि जेसीबी से नीम खुदवाई जाती है। जैसी भी स्थिति हो, आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूं वह यह है कि जिस प्लॉट पर, जिस भूमि के टुकड़े पर आप नए मकान का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप नीम की खुदाई करवा रहे हैं, नीम की खुदाई के दरमियान यानी कि जिस समय नीम खोदी जा रही है, स्वाभाविक है कि वहां आपको मिट्टी तो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जमीन, मिट्टी, भूमि यही से तो है जमीन या भूमि, यानी कि खुदाई में मिट्टी तो निकलेगी ही निकलेगी। और इसके पहले एपिसोड में आपको मैंने यह भी बताया था कि ब्राह्मणी भूमि कौन सी होती है, क्षत्रिय कौन सी होती है, वैश्य कौन सी होती है और शूद्र जाति की भूमि कौन सी होती है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह और भी महत्वपूर्ण बात है कि खुदाई के दरमियान यदि आपको मिट्टी के अलावा अन्य कुछ वस्तुएं मिलती है, अब ये वस्तुएं हीरे मोती जवाहरात तो होने से रहे, आप बहुत ही प्रबल भाग्यशाली है, सिकंदर जैसा मुकद्दर लेकर आए हैं और आपको हीरे मोती मिल जाए, खजाना मिल जाए, देखिए मैं उसका तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे तो करोड़ों लोगों में कोई एक होता है। लेकिन वह भूमि पहले किस काम आई हुई थी, वह भूमि सकारात्मकता लिए हुए है, नकारात्मकता लिए हुए है, उस पर पहले क्या उपयोग प्रयोग हुए थे और किस प्रकार का खनिज वहां पाया गया होगा या रहा गया होगा, तो खुदाई के दौरान जो आपको प्राप्त होता है उससे भी यह निश्चित होता है कि वह जमीन जिस पर की आप खुदाई करवाकर नया मकान बनवाएंगे वह आपके लिए सुखदाई, समृद्धिशाली, वैभवशाली, भरपूर अच्छा स्वास्थ्य लिए हुए होगी या पूर्ण रूप से नकारात्मक होगी, अर्थात झगड़े फसाद लिए हुए होगी, आप अरबपति खरबपति है, आपको कंगाल बना देगी। तो ऐसी के कब हम यह निश्चय करें, आप ही खुद निश्चय कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि आप खुद निश्चय कर सकते हैं कि जमीन में से यानी कि खुदाई के दौरान उस भूमि में से मिट्टी के साथ क्या निकल रहा है। यदि वो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और
उस पर अमल करेंगे तो बहुत सी अच्छी बुरी बातें आपको मालूम हो जाएगी। पहले लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। मुझे यदि आप उचित समझे कोई सलाह लेना मुझसे, यानी कि मेरे से, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, वॉइस कॉल नंबर यहां डिस्प्ले भी होगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप सलाह वास्तु ज्योतिष से संबंधित ले सकते हैं। मैं अपने बिंदु पर आता हूं कि आपने मुहूर्त करवाकर जमीन की खुदाई शुरू करवाई, अब जमीन की खुदाई शुरू करवाई और जमीन की खुदाई में आपको मालूम पड़ा कि ईंटों के टुकड़े भी निकल रहे हैं, काहे के ब्रिक्स, ईंटों के टुकड़े निकल रहे हैं, तो आप मान के चलिए आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति होगी। आप पाते हैं कि वहां तांबे के टुकड़े, कोई कोपर तांबे के टुकड़े निकल रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि वह आप जो भूमि के मालिक है, भूखंड के मालिक है, प्लॉट के मालिक है, हर प्रकार से वैभवशाली हो जाएंगे। आप यदि पाते हैं कि खुदाई के दौरान पत्थर निकल रहे हैं, क्या चीज, पत्थर निकल रहे हैं, इसका मतलब यह होगा कि आपके धन का आगमन होगा और आप यानी कि जो प्लॉट का मालिक है उसकी आयु बढ़ेगी। लेकिन यदि आप ये पाते हैं कि उसमें से हड्डी निकल रही है, कोयला निकल रहा है, सिर के बाल निकल रहे हैं, ये जो कपाल है किसी का वो निकल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मानकर चलना कि उस पर अगर आप मकान बनवाएंगे तो वह रोग और पीड़ा लेकर ही आएगा। देखिए वापस सुन लीजिएगा, यदि हड्डी है, कोयला है, सिर के बाल है, कपाल है, ये अगर मिट्टी के साथ निकलते हैं तो आपको रोग और पीड़ा का सामना मकान बनने के बाद करना ही करना होगा। इसके बाद वाली चीज देखिए कि खुदाई के दौरान आपको मिलता है कि उसमें चींटियां निकल रही है, उसमें दीमक लगी हुई है और दीमक के घर मिल रहे हैं, उसमें मिट्टी के कीड़े जो होते हैं वो निकल रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऐसी भूमि पर मकान कदापि ना बनवाए। यदि आपको वहां वस्त्र निकलते मिलते हैं या भस्म या अंडे, सर्प, ये जो चीजें मिलती है, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा मैं धीमा हो गया क्योंकि मुझे कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कि वस्त्र है, भस्म, भस्म का मतलब राख है, अंडे है, सर्प स्नेक है, और एक चीज और जोड़ दीजिए उसमें, भूसा यदि निकलता है तो तय बात है कि मकान बनते बनते, भगवान ना करे ऐसा हो, जो गृह स्वामी है उसकी मृत्यु, ऐसी बात विद्वानों के द्वारा कही गई है, ऐसी बात ग्रंथों में लिखी हुई है। यदि आपको मिट्टी के साथ, अगली बात बता रहा हूं कि मिट्टी के साथ कोड़ी, कोड़ी जो होती है ना, जो समुद्र से प्राप्त होती है, लेकिन वो आपको कहां से मिल रही है, वो आपको मिल रही है आपको मिट्टी से नींव की खुदाई के दौरान मिल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पर मकान बनवाने पर आपके घर में दुख हमेशा के लिए रहेगा
और लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, अशांत वातावरण होगा। फिर अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि यदि रुई निकलती है, क्या चीज निकलती है, रुई निकलती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वह शुभदायक नहीं होती है, मांगलिक नहीं होती है। रुई का निकलना इस बात का संकेत होता है कि दुख आपके सर पर मंडरा रहे हैं। अंतिम बात, यदि भूखंड के लिए जो नीम की खुदाई की जा रही है, भूखंड पर नया मकान बनाने के लिए जो नीम की खुदाई की जा रही है, उसमें लोहा निकलता है, आयरन, आयरन लोहा निकलता है, तो ये तय बात है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, विद्वानों के द्वारा ऐसी मान्यता दी गई है कि ग्रह स्वामी यानी कि जो भूखंड का स्वामी है, जो भवन का निर्माण करवा रहा है, उसकी निकट भविष्य में मृत्यु तय है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जब भूखंड पर नए मकान के निर्माण के संबंध में नीम की खुदाई की जाती है, तो नीम की खुदाई में मिट्टी के साथ क्या निकले कि वो हमारे लिए शुभदायक हो, मंगलकारी हो, धन वैभव लेकर हमारा भवन का निर्माण हो, और क्या क्या ऐसी चीजें निकलती है जो अमंगलकारी होती है, दुखदायी होती है, धन का विनाश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, रोग होता है, मकान बनते बनते या बनने के बाद शीघ्र ही मकान मालिक की मृत्यु, ग्रह स्वामी की मृत्यु हो जाती है। भगवान करे कि आपके साथ सब मंगलकारी कार्य हो, आपको अच्छा प्लॉट ही मिला हो, और अच्छी बातें जो मैंने आपको बताई है वह उस भूखंड के संबंध में, खुदाई के संबंध में हो, यही मेरी कामना है। जय श्री कृष्ण।